जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ हूँ। मैं वाटसन गिल। दो दिन से खबर चल रही, सांगड़ में एक वडेरे ने एक ऊंटनी की टांग काट दी। वजह सिर्फ ये थी कि वो उसके खेतों में घुस आई और उसने उस ऊंटनी की टांग काट दी, जो कि इंतहाई शर्मनाक अमल है। मैं इस पर यह कह सकता हूँ, अगर मुझसे को पूछे तो उस वडेरे की भी टांग काटी जानी चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। मकसद मेरा ऊँटनी के हवाले से जो था कि हम बतौर मसीह तो किसी जानवर को कभी भी इस तरह से उसको तशद्दुद नहीं कर सकते, लेकिन मैं मुआवजा करना चाहता हूँ ऊँटनी का और लाजर मसीह के वाक़े का। मैं मुआवजा करना चाहता हूँ ऊँटनी के वाक़े का और हमारे जो तीन मसीह जो एक गटर में जहरीली गैस से शहीद हो गए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जुल्म हुआ है कथित तौर पर। मेरा मकसद ये नहीं कि नहीं होना चाहिए था, ऊँटनी के केस को जिस तरह उठाया गया, पाकिस्तान का कोई बड़ा चैनल, पाकिस्तान का कोई बड़ा सहाफ़ी और कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसा नहीं जिसने इस इशू को ना उठाया हो। पूरे पाकिस्तान में इस इशू को उठाया गया, इसकी मजम्मत की गई। लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई शर्मनाक हालत यह है कि लाजर मसीह का केस हुआ, तो जाहिर है कि आपको मालूम है कि जब ये हुआ सरगोधा में, तो शुरू में इस वाक्य पर मट्टी पाने वाली बात की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर आ गया। फिर उसे मार मार कर शहीद कर दिया गया, लेकिन लोगों के गमों गुस्से को ठंडा होने का इंतज़ार किया गया और फिर डिक्लेयर किया गया। आपने देखा इस तरह से कोई मीडिया, चंद न्यूज़पेपर्स ने और चंद टीवी चैनल्स ने अपनी बुलेटिन में खबर दी और बस? कोई देखा आपने किसी प्रोग्राम में टॉक शो हो रहा हो इसके ऊपर, कोई किसी हवाले से कोई इसके ऊपर कोई बात हुई हो? चले, वो तो एक बड़ा वाकया था। फिर आप देखें कि तीन चार दिन पहले खबर आई कि जनाब हमारे तीन मसीह जो हैं भाई, चार थे, एक की हालत अभी भी तशवीशनाक है, उन तीनों को जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था उसने ये वार्निंग दी कि तुमने नीचे उतरना है, क्योंकि वो उनसे जो सेफ्टी गेयर्स होते हैं, जो जैसे मास्क हो गए, कोई इस तरह की चीज़ें मांग रहे थे, तो वो उनको मालूम था कि इस कुएं में गंदी और जहरीली गैस है। तो उनको वार्निंग दी गई कि या तो तुम अंदर जाओगे नहीं तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए वो चारों अंदर गए। एक की हालत तशवीशनाक है और तीनों की लाशें बाहर आई हैं। आपने कहीं देखा पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई टॉक शोज हो रहे हों, कोई डिस्कस हो रही हो, जैसे ये ऊँटनी की बात हो रही है इस तरह से कोई? यानी कितनी बेशर्मी है ये हमारे माशरे में, कितनी जलालत है हमारे माशरे में। चले, ये तो जो पाकिस्तान में हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया ब्रसल में, खुदावन के फजल से प्रोटेस्ट बड़ा कामयाब रहा। हमने हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और दीगर ममालिक से दोस्तों ने, जर्मनी लोग उसमें शामिल हुए, स्पेन से, हम सब ने वो प्रोटेस्ट किया। हमने पाकिस्तान के जो मीडिया है जो यहाँ पर, उनको दावत दी। मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि अब वो पाकिस्तानी जो हमारे मीडिया वाले हैं, जो यहाँ पर ARY के नुमाइंदे हों या जियो के नुमाइंदे हों या कोई भी हों, पहले वो कवर करते थे, अब उन्होंने भी जैसे बायकॉट कर दिया हो। ये आज़ादी इजहार राय का ढंडोरा पीटते हैं, पाकिस्तान में भूख हड़ताले करते हैं, पाकिस्तान में एहतजाज करते हैं कि जी हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन मुनाफ़त का अंदाज़ा ये देखो कि यहाँ पर आकर ये हमारी आवाज़ दबाते हैं। आपने जो कुछ देखा, हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन चैनल्स जो हैं या हमारा सोशल मीडिया जो है, उसने हमारे मुजाहरे को कवर किया होगा। लेकिन आप देखें तो पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ वाले हैं, वो इनको उठाएं इन बातों को। और अब हम इस हवाले से भी जो यूरोपियन हुकाम हैं उनको लिखेंगे कि आप ये जो मीडिया वाले हैं, इनको ये जब ये बात कर आज़ादी इजहार राय की, तो फिर इनको ये बताएं कि ये एक तरफ जो मतलब इनका होता है उसको सामने रखते,
लेकिन जब अकलियतों के हकूक की बात होती है तो वहाँ अपने मुंह पर ये जिप लगा लेते हैं। ये शर्मनाक रवैये हमारे पाकिस्तान में लोगों के, कि वहाँ पर एक ऊँटनी के साथ अगर कुछ हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए था, जुल्म है, उस ऊँटनी के भी इतने हकूक हैं, उस ऊँटनी के भी इतनी उसको वो दिया गया है, एहतराम दिया गया कि उसके ऊपर लोग रो रहे हैं, लेकिन वहाँ इंसान मर जाते हैं, लेकिन चूँकि वो मशीन हैं तो जैसे वो जानवरों से भी कम हालत है उनकी। बहुत शुक्रिया।